सुकमा में हुए नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की खबर जब घर के दरवाजे तक पहुंची तो कोहराम की इन आवाजों ने देशवासियों की आंखों में आंसू भर दिए। इस मासूम को नहीं पता कि पापा आप कभी लौट कर नहीं आएंगे। पति को खोने का दर्द ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। शहादत को सलाम पूरा देश करता है, लेकिन शहादत को सहन परिवार करता है। ऐसे ही दर्द को दिल में लिए जीती है शहीद की बीवी। 17 साल बीत गए, लेकिन शालिनी के आंसू नहीं सूखे। पति को आतंकी हमले में खो चुकी शालिनी सिंह 17 साल बाद भी मेजर अविनाश सिंह की शहादत को याद करके रो पड़ती है। बहुत मुश्किल, मतलब शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको बताने के लिए। बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो, बट वही है कि आपने हिम्मत रखनी है तो करना है। बस यही था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा। शालिनी 23 साल की थी जब पति अविनाश कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। बेटा ध्रुव महज 2 साल का था। शालिनी को लगा मानो जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। 28 सितंबर 2001 वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट डे ऑफ माय लाइफ। जिस दिन मेरे हस्बैंड शहीद हुए, मुझे लगता था लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। आई वाज जस्ट 23 इयर्स ऑफ ओल्ड, एक साथ में 1.5-2 साल का बच्चा, 2 इयर्स का मेरा बच्चा और 23 इयर्स की मैं। लेकिन एक फौजी की पत्नी होने का जज्बा मरा नहीं था। शालिनी सिंह ने सेना ज्वाइन करने का फैसला किया। अपने दर्द के साथ वो आगे बढ़ती गई। ये कहानी अपने आप में अद्भुत है, ये कहानी अपने आप में अकल्पनीय है। मिलवाते हैं आपको देखा आपने, ये हैं शालिनी सिंह। इन्होंने जीता है मिसेज इंडिया क्लासिक क्वीन ऑफ सब्सटेंस 2017 का ताज। लेकिन ब्यूटी पेजेंट के विजेता होना शालिनी की पहचान नहीं, बल्कि उनकी कहानी ऐसी है जिसे देखकर हर दिल से बस एक ही आवाज आएगी कि शालिनी की हिम्मत को सलाम है। शालिनी 23 साल की थी जब पति मेजर अविनाश सिंह भतौरिया कश्मीर में आतंकियों का सामना करते हुए शहीद हो गए। शालिनी सिंह ने ना सिर्फ सेना ज्वाइन करके देश की सेवा की, बल्कि अपने सपनों को भी हकीकत में बदला। तो हमारा भी सलाम। रिटायर्ड कैप्टन शालिनी सिंह जब मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस 2017 कंपटीशन के लिए रैंप पर उतरी तो चारों तरफ तालियां गूंज उठी। एक शहीद की पत्नी की दिलेरी और अंदाज लोगों के दिल को छू गया। शालिनी सिंह को सिंगापुर में मिसेज इंडिया क्लासिक क्वीन ऑफ सब्सटेंस 2017 का ताज पहनाया गया। एक शहीद की पत्नी और खुद एक सैनिक रही शालिनी का सरहद से रैंप तक का ये सफर आसान नहीं था। मैं रोई भी बहुत हूँ और मैं अकेले रोई हूँ, मैं लोगों के सामने कम रोई हूँ, क्योंकि जो मेरे टीयर्स हैं वो मेरे टीयर्स हैं, दे आर नॉट फॉर अदर्स। लाइफ नेवर कम्स टू एन एंड, दिस इज़ वन लाइफ, वी कैन मेक इट और ब्रेक इट, ये हमारे हर इंसान के हाथ में ही होता है।
साल 2001 में शालिनी 23 साल की थी जब पति मेजर अविनाश सिंह भदौरिया कश्मीर में आतंकियों का सामना करते हुए शहीद हो गए थे। उस वक्त बेटा ध्रुव सिर्फ 2 साल का था। पति को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला। इसे लेते वक्त ही शालिनी ने फैसला कर लिया कि बेटे ध्रुव को भी देश की सेवा के लिए समर्पित करेंगी। बहुत बहुत रोई मैं काफी दिन। उसके बाद फिर समझ में आया कि नहीं, मेरा बच्चा है, मुझे उसके लिए जीना। और मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने इतना बहादुरी का काम किया। जैसे मैं इनको जानती थी, ये कभी गिव अप करने वाले इंसान नहीं थे। तो मैंने इनसे भी बहुत कुछ अपने उस 4 साल की शादी में सीखा था। पति की शहादत के बाद शालिनी ने देश के दुश्मनों से बदला लेने के लिए फौज में जाने का फैसला लिया। फौज में जाने का फैसला और वहां तक पहुंचने का सफर बेहद मुश्किल था, लेकिन शालिनी ने हिम्मत नहीं हारी। इतने दिन बिना खाने के निकाले हैं ना, कि मैं खाना लेके बैठती थी और आंसू गिरते थे कि मैं अपने बच्चे के साथ नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ। बहुत ही बहुत मुश्किल, मतलब शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको बताने के लिए। 2 साल के बेटे को छोड़कर सेना की सख्त ट्रेनिंग करना आसान नहीं था, लेकिन शालिनी को घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला। फौजी की पत्नी होने के नाते वो थोड़ा बहुत सेना को जानती समझती थी, पर 2 साल के बेटे को छोड़कर ट्रेनिंग का फैसला करना काफी मुश्किल रहा। बाकी जितनी लड़कियां थी उनका था कि दे हैड एन एम्बिशन कि मुझे आर्मी में जाना है। मेरे साथ ऐसा कोई एम्बिशन नहीं था। वो ऐसा हो गया सर्कमस्टेंसेस कि आई वाज देयर इन द एकेडमी, सो एंड देन आई हैव टू प्रूव इट अगेन। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रेफरेंस मिल रहा है कि, बट आई वाज गिवन एक्स्ट्रा रगड़ा कि इसके दिमाग से वो लेडी वाइफ निकालना है। बेटे को छोड़ना मानसिक और शारीरिक तौर पर चुनौतीपूर्ण था। ट्रेनिंग के दौरान चोट भी लगी। 6 साल तक शालिनी ने सेना की नौकरी की, फिर रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि बेटे ध्रुव को माँ की जरूरत थी। होम टाउन कानपुर नहीं आ सकती थी जहाँ मेरा बच्चा था, और वो मेरी लाइफ का इतना मुश्किल टाइम था क्योंकि ट्रेनिंग भी मेरे हिसाब से बहुत टफ थी, बहुत मुश्किल टाइम था। लेकिन ठीक है, आई ऑलवेज गॉट गुड पीपल अलॉन्ग विद मी। अकेडमी में मुझे सबने बहुत हिम्मत बनाई क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम हुआ था हस्बैंड को लूज करके। सेना की नौकरी के दौरान ही 2007 में शालिनी सिंह ने MBA किया। फिलहाल शालिनी एक कंपनी में बतौर सीनियर मैनेजर काम करती है। इसके अलावा वो सोशल वर्क में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। एक शहीद की पत्नी ने साहस और जज्बे की नई मिसाल कायम की है। छोटी उम्र में पति को खोने के बावजूद शालिनी ने हिम्मत नहीं हारी, फौज के साथ साथ फैशन की दुनिया में कदम रखने का हौसला दिखाया और खूबसूरती की नई परिभाषा लिखी। शालिनी ने सिंगापुर में मिसेज इंडिया क्लासिक क्वीन ऑफ सब्सटेंस 2017 का खिताब जीतकर दुनिया को बता दिया कि वो रियल वुमन ऑफ सब्सटेंस है। टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। थिंक दैट यू आर टफ, डोंट थिंक एवर दैट यू आर अ वीक पर्सन। कैप्टन शालिनी सिंह से बात करके किसी शायर का वो कलाम याद आता है कि इम्तिहानों से हरगिज ना घबराना चाहिए, ऐसे में तो सिर्फ खुद को आजमाना चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन धीरेंद्र के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया।